air, water and weather. What is weather? Weather is the condition of the air surrounding us at a given time. देखो इस टाइम पर हमारी आसपास की हवा कैसी है? गर्म है, बहुत गर्म है, ठंडी है, बहुत ठंडी है, इसे हम वेदर कहते हैं. द वेदर कैन चेंज वेरी क्विकली. हो सकता है सुबह की हवा ठंडी हो पर दोपहर को धूप की वजह से हवा ठंडी ना हो, तो वेदर बहुत क्विकली चेंज हो सकती है. इट मे बी ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग. सुबह तो ब्राइट मतलब सन आएगा, तो उसकी धूप भी आएगी, तो इतनी ठंड नहीं रहेगी. सनी मॉर्निंग्स मतलब सन होता है तो हवा गर्म होती है क्योंकि सन हीट देता है, राइट. बट सडनली आप देखोगे कि डार्क हो जाएगा और क्लाउड्स आ जाएंगे. तो वेदर फटाफट बदलता रहता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. हर रोज़ की वेदर अलग होती है. समटाइम्स आर टू आर भी. एक घंटे पहले आपको ठंड लग रही होगी लेकिन एक घंटे बाद आपको गर्मी लग रही होगी. तो वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड आर टू आर. यू कैन फील एंड सी when the weather is windy, rainy, sunny or cloudy. चार टाइप की वेदर होती है. वेदर या तो विंडी हो सकती है, बहुत तेज़ हवा चल रही होगी, या बारिश आ रही होगी, या सन आया होगा तो सनी, या क्लाउड्स आ रहे होंगे तो क्लाउडी. द वेदर ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर. पूरे ईयर में वेदर चेंज होती है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अर्थ्स रोटेशन causes day and night. What causes day and night? Earth's rotation causes day and night, and Earth's revolution causes change in the seasons. So Earth's rotation causes day and night, and what causes change of seasons? The Earth's revolution. Now this is another topic. We will not be studying more in detail about these topics in this chapter. It is hot during the summer. सबको पता है summer season में गर्मी होती है. It rains a lot in the rainy season. सबको पता है कि बारिश होती है rainy season में. During winter, it is cold in many parts of India. तो winter में काफ़ी India की ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है. However, even during a particular season, the weather changes from day to day and from hour to hour. पर्टिकुलर सीजन का मतलब जैसे अभी तो विंटर सीजन है, राइट. तो विंटर सीजन में भी वेदर हर रोज़ एक जैसी नहीं होती. कभी बहुत चिल्ड एयर चल रही होती है, कभी गर्मी लग रही होती है. तो वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम आर टू आर इन एनी ऑफ दीज सीजन्स. हाउएवर, हाउ डज द अर्थ अफेक्ट वेदर? हाउ डज द सन अफेक्ट द सन? से वेदर का क्या लेना देना? अरे बहुत बड़ा रोल है सन का. Changes in weather takes place because of the sun. Changes in weather take place because of the sun. Changes in weather takes place because of the sun. It is the heat of the sun that causes the wind to blow. इसको सुनो ध्यान से. It is the heat of the sun. आप बैठो और सुनो उसको. It is the heat of the sun that causes the wind to blow. सन की हीट के वजह से विंड ब्लो होती है. किसकी हीट के वजह से विंड ब्लो होती है? सन की हीट के वजह से. द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो एंड द क्लाउड्स टू फॉर्म. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन दैट द विंड्स ब्लो एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन दैट द क्लाउड्स फॉर्म. नाउ व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड. ओवरहेड मतलब हमारे सर के ऊपर. द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ. अगर सन मेरे ऊपर है तो सीधा सनरेज नीचे आएंगी, राइट. एंड इट इज़ वेरी वेरी हॉट. व्हाई इट इज़ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून? बिकॉज द सन इज ओवर हेड. द सन इज ओवर हेड. बट व्हेन द सन इज लोअर इन द स्काई द सन रेज आर स्लांटिंग. लेकिन जब सन लोअर आ जाता है तो वो ओवर हेड उसकी स्ट्रेट रेज नहीं होती. उसकी स्ट्रेट रेज नहीं होती, उसकी स्लांटिंग रेज होती हैं. तो वो इतना ज़्यादा सन को हीट अप नहीं कर पाता. सन सबसे ज़्यादा अर्थ को कब हीटअप कर पाता है? जब उसकी रेज स्टैंडिंग हो, ऊपर हो हमारे सर के ऊपर, और बिल्कुल स्ट्रेट उसकी रेज आ रही होंगी. सबसे ज़्यादा तब हमारी अर्थ हीटअप होती है. लेकिन अगर सन की रेज स्लांटिंग है तो इतना ज़्यादा अर्थ को हीटअप नहीं कर पाता. दैट इज़ वाई इट इज़ वार्मर इन द आफ्टरनून. दोपहर के टाइम में ज़्यादा गर्मी होती है. क्यों? बिकॉज द सन इज़ ओवरहेड. और जब सन ओवरहेड होता है तो उसकी रेज जो होती है वो स्टैंडिंग होती है. देन इन द मॉर्निंग एंड द
इवनिंग, सुबह और शाम को सन की रेस स्लांटिंग होती है, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं होती. व्हाट मेक्स द विंड ब्लो, हवा क्यों चलती है. व्हाई डज द विंड ब्लो, व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली. सुनना ध्यान से, सन जब बहुत तेज शाइन करता है तो उसके वजह से बहुत तेज़ रोशनी होती है, तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है. क्या हो जाती है? हीट अप. अगर अर्थ हीट अप हो गई तो अर्थ के ऊपर की जो हवा है वो भी हीट अप हो जाती है. द व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली इट हीट्स अप द लैंड. दिस कॉजेज द एयर अबाउ द ग्राउंड टू गेट हीटेड अप. वार्म एयर, अब अर्थ गर्म हो गई, अर्थ के ऊपर की एयर भी गर्म हो गई. द अर्थ गेट्स हीटेड अप. द एयर अबाउ द अर्थ ऑल्सो गेट्स हीटेड अप. सो द हीटेड एयर इज लाइटर. द हीटेड एयर इज लाइटर एंड इट मूव्स अप. एंड इट मूव्स बिकॉज इट इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. कोल्ड एयर भारी होती है. कोल्ड एयर भारी होती है और वार्म एयर हल्की होती है, लाइट होती है. तो लाइट एयर अपने आप ऊपर चली जाती है, तो उस खाली स्पेस को कौन ले लेता है? ठंडी एयर. कौन ले लेती है? वार्म एयर हल्की हो जाती है. मैंने आपको बार बार समझाया, प्लीज़ ध्यान से सुनो. वार्म एयर, जब लैंड गर्म होती है तो लैंड के ऊपर की हवा भी तो गर्म हो जाएगी ना, गर्मी कहाँ जाएगी, तो हवा भी गर्म हो गई. अब जो गर्म हवा, अब दो हवाएँ, एक गर्म हवा है और एक ठंडी हवा है. सो गर्म हवा जो होती है वो लाइट होती है. क्या होती है? तो वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो हल्की हो गई तो हल्की चीज़ तो ऊपर ही जाएगी, हल्की चीज़ तो फटाफट उठ जाएगी. तो अब वो जगह खाली नहीं रहती, उसकी जगह पर कौन सी हवा आ जाती है? कोल्ड एयर आ जाती है. क्या आ जाती है? कोल्ड. सो कोल्ड एयर टेक्स इट्स प्लेस. क्या होती है? वो रश करती है. कोल्ड एयर इट टेक्स इज, दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो. इसलिए हवा चलती है, क्योंकि बार बार गर्म हवा ऊपर जा रही होती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले रही, तो हवा चलती है, उसे हम कहते हैं विंड इज ब्लोइंग. नाउ हमने आसानी से बार बार सुना है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दो सालों तक लगातार आता है ये टॉपिक. एक्सप्लेन मी, टीचर क्वेश्चन देती है, एक्सप्लेन द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा. नाउ सुनो, इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल का मतलब होता है वो, प्लीज व्हेन आई एम टीचिंग एंड स्टिल यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन एंड दिस इज वेरी बैड. कोस्टल एरियाज में क्या होता है? आप प्रेजेंट फिजिकली हो, मेंटली तो आप हो ही नहीं, क्यों ट्यूशन आते हो आप लोग? इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो पानी के पास होते हैं, कोस्ट के पास, पानी के पास. वहाँ पर द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट. कोस्ट मतलब पानी वाला एरिया, ऐसे याद रखो, कोस्ट मतलब पानी वाला एरिया. तो पानी से जो हवा चलती है वो पानी से लैंड पर आती है. क्या आती है? इट ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड. कोस्टल एरिया पानी वाला एरिया होता है, एरिया दैट इज नियर द वाटर. तो वहाँ से जो, हाउ डज अ विंड ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड, फ्रॉम द सी टू द लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द सी टू द लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. सो सी स्टार्टिंग वर्ड है ना, सी ब्रीज क्या होती है? फ्रॉम द सी टू द लैंड. इजी. सी का मतलब क्या है? फ्रॉम द सी टू द लैंड. लेकिन ये कब होता है? कोस्टल एरियाज में मॉर्निंग के टाइम पर होता है. क्या होता है? सुबह के टाइम पर. हम सिर्फ कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं, और एरियाज की बात नहीं, पानी के बाद वाले एरियाज की, आसपास वाले एरियाज की बात कर रहे हैं. वहाँ पर जो विंड ब्लो करती है, इट ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड. कहाँ से ब्लो करती है? सी. लेकिन ये सिर्फ सुबह की बात है. क्या बात है? ड्यूरिंग द डे, ओनली ड्यूरिंग द डे. सो दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. लेकिन रात को उल्टा हो जाता है, रात को उल्टा हो जाता है. द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी. लैंड से विंड जाती है, सी की तरफ जाती है. क्या जाती है? लैंड. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. सो सी एंड लैंड ब्रीज अकर्स बिकॉज ऑफ द सन. ये क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन. अब हमने अभी तो पढ़ा था ना क्यों विंड ब्लो करती है, तो अभी बताएंगे. सुबह ऐसा क्यों होता है कि सी से लैंड की तरफ ब्रीज ब्लो करती है? ऐसा क्यों? क्या उसका मन हो रहा है कि मैं, क्या सी वाली, सी के ऊपर की जो विंड है उसका मन हो रहा है आज तो मैं लैंड पर घूमने जाऊँगी? नो. सुनो ध्यान से, ड्यूरिंग द डे, सुबह के टाइम पर क्या होता है? द लैंड गेट्स हीटेड अप मोर दैन वाटर इन द सी. देखो मिट्टी होती है ना लैंड पे, सी के पास मिट्टी होती है, राइट? तो जो मिट्टी जो है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है. मिट्टी जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है.
तो सुबह के टाइम पर जो मिट्टी है उस लैंड के ऊपर वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. इट गेट्स हीटेड अप मोर देन द वाटर. वाटर इतना गर्म नहीं होता है, वाटर इतना गर्म नहीं होता, लैंड गर्म होता है सुबह के टाइम पर, क्योंकि सन की हीट से मिट्टी की टेंडेंसी है कि वो जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है. तो अब क्या हुआ, मिट्टी गर्म हो गई सुबह सुबह, तो जब लैंड के ऊपर की एयर है वो भी गर्म हो गई तो वो तो ऊपर चली जाएगी, तो उसकी जगह कौन लेगा, कोल्ड एयर कौन लेगी, कोल्ड एयर, राइट. सो कूल एयर फ्रॉम अबाउ द सी टेक्स इट्स प्लेस, तो उसे सी ब्रीज कहते हैं. क्यों, क्योंकि सी की ठंडी हवा आती है, क्या होती है, सी की ठंडी हवा. तो सी की ठंडी हवा बार बार आती रहती है, क्या आती रहती है, सी की तो आती है लैंड के ऊपर बार बार, सी की तो आती है. अब रात को क्या होता है, लैंड जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, तो पानी के ऊपर की जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म, वो ऊपर राइज हो जाती है. तो लैंड वाली हवा ठंडी होती है, वो बार बार उसकी जगह लेती है, तो रात को होती है लैंड ब्रीज. क्या होती है, रात को होती है लैंड ब्रीज. सो द वाटर इज वार्मर देन द लैंड, द वार्म एयर राइजेस अबव एंड द कूल एयर ओवर द लैंड रशेस एंड टेक्स प्लेस, दस लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट. मैम बोलेगी सी ब्रीज क्यों सुबह ब्लो करती है, समझ आया, और लैंड ब्रीज क्यों रात को ब्लो करती है, पता चला, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया. सुबह क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होती है, क्या होती है, लैंड, तो लैंड की हवा गर्म होने की वजह से लाइट हो जाती है और ऊपर राइज हो जाती है. तो सी की हवा उस टाइम ठंडी होती है क्योंकि पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता है, तो सी की जो हवा होती है वो लैंड पर आ जाती है. तो जब सी से लैंड, सी की हवा जब लैंड पर आती है तो हम उसे सी ब्रीज कहते हैं, और लैंड की हवा जब सी के पर आती है तो उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं. तो सी ब्रीज मॉर्निंग में होती है और लैंड ब्रीज नाइट में होती है. अब इवैपोरेशन तो आपको पता ही है, आपने कुछ पानी, टेक सम वाटर इन अ बोल, पता है ना, ग्लास बोल में कुछ पानी लो, प्लेस इट अंडर द इन द सन, सन में रख दो, तो क्या होगा, फ्यू आवर्स के बाद क्या होगा, आप देखोगे अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ गॉन डाउन, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. वेयर डिड द वाटर गो, इट हैज़ evaporated because of the heat of the sun. Evaporation का मतलब होता है when the water changes into gas with steam. When the water changes into steam, the water changed to water vapor in the heat of the sun, right? The water changed to vapors, water vapors due because of the heat of the sun. This process is called evaporation. पढ़ते आए हैं हम लोग. Evaporation of water takes place all the time. ऐसा नहीं कि पानी evaporate नहीं हो रहा, हमें नज़र नहीं आता. But evaporation takes place all the time. But it is faster if the water is heated. अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो evaporation बहुत फटाफट होती है, जैसे by the sun. Take some water in a pan. Ask an adult to heat it gently. किसी बड़े को बोलो उसको heat कर दें आपके लिए. For about 5 minutes on the fire. Let somebody heat the water for 5 minutes. Okay? Did some of the water in the pan evaporate? Yes. Now ask the adult to hold a steel plate over the pan. उसको adult को बोलो इसको cover कर दे. Heat. इसको पानी को एक plate से cover कर दे. Can you see some drops of water? Yes. Forming on the plate? Yes. आप जब उसको उठाओगे, बड़ों की मदद से उठाना, because it will be very hot. The plate will be very hot. So you will see drops of water on the inside the plate also. What you will see? Drops. Now the water vapor cools down when it comes in contact with the cool plate. अब क्या होता है, वाटर वेपर जो है जब वो कांटेक्ट में आता है कोई ठंडी चीज़ से, क्या आता है, तो वापस वो वाटर बन जाता है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, जब वाटर वेपर पानी बन जाता है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं, और जब पानी वाटर वेपर बन जाता है हम उसे इवापोरेशन कहते हैं. इवापोरेशन गर्मी की वजह से होता है और कंडेंसेशन ठंड की वजह से होता है. तो वाटर साइकिल, अब ध्यान से सुनना, बार बार आपके एग्जाम में कभी ना कभी वाटर साइकिल तो आएगी, राइट. 10 मिनट्स आई विल टेक टू कंप्लीट द चैप्टर, नॉट मोर देन दैट. एज द सन शाइन्स डाउन ऑन द अर्थ, जब सन की रोशनी अर्थ पर पड़ती है, वाटर इन लेक्स रिवर्स एंड ओशंस इवोपरेट. पानी इवोपरेट होता है या तो लेक में या तो रिवर में, कोई भी वाटर बॉडी में पानी गर्मी की वजह से इवोपरेट होता है और वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में. द एयर, अब मैंने आपको कहा था खाली वाटर इवोपरेट नहीं होगा, एयर भी तो गर्म होगी. द एयर अलॉन्ग विद द वाटर बिकम्स वार्म, एयर भी गर्म हो जाती है और
एयर गर्म हवा राइज अप हो जाती है, क्या हो जाती है, एज इट राइजेज हायर इन द स्काई, पूरी गर्म गर्म हवा जो है वो लाइट होने के वजह से ऊपर हवा में राइज होती रहती है, क्या होती रहती है, लेकिन जैसे वो ऊपर जाती ना तो ऊपर इतना पोल्यूशन नहीं होता और गैसेस नहीं होती, तो धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है, क्या हो जाती है, ठंडा क्या होता है, और उसके साथ डस्ट पार्टिकल, हवा में जो मिट्टी होती है, जो डस्ट होती है, वो पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्योंकि हवा तो ठंडी हो गई, हवा ठंडी हो गई ना, तो पानी जब ऊपर गया था तो स्टीम बन गई है, वो स्टीम वापस ठंडी हो गई तो पानी बनेगी, बनेगी ना, ठंडी होने के बाद स्टीम तो पानी तो बनती है, पर हवा में मिट्टी भी थी, क्या थी, तो टाइम तो डस्ट पार्टिकल्स भी उस पानी के अंदर मिल गई, क्या, अब मिलियंस ऑफ मिलियंस मिलियंस ऑफ मिलियंस ऐसी क्या होता है वाटर पार्टिकल्स जो स्टीम जाती है ऊपर, क्या जाती है, स्टीम जाती है, तो वाटर वेपर जो ऊपर जाता है वो पानी बन जाता है, ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस वाटर वेपर वापस पानी बन जाते हैं और वो एक बड़ा एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम क्लाउड कहते हैं, क्या कहते हैं, सारा का सारा वाटर वेपर राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, पानी की बूंदे गर्मी के वजह से स्टीम बन रही है और ऊपर चली गई, अब ऊपर जाकर वो ठंडी पड़ गई, क्या पड़ गई, और उसमें डस्ट भी मिल गई, अब वो सब पानी बन गई, तो जब मिलियंस ऑफ वाटर वेपर दे कम टुगेदर इट इज कॉल्ड क्लाउड, अब वो क्लाउड जब बहुत हैवी हो जाता है एंड इट कैन नॉट होल्ड मोर वाटर, अब वो और पानी होल्ड नहीं कर पाता, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स दे बिकम वेरी बिग नाउ बिकॉज बहुत सारी मिल जाती है ना, एंड दे बिकम हैवी ऑल्सो एंड दे फॉर्म अ क्लाउड, अब देन दे बिकम सो हैवी दैट नाउ द क्लाउड कैन नॉट टेक एनी मोर वाटर इट बर्स्ट इट, तो पानी जब फटेगा तो क्या होगा, बहुत सारा पानी फट के नीचे जाएगा तो इट विल रेन, सेम रेन बोलते हैं उसे हम, सो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड, अब जो पानी यहाँ गिरा वो कहाँ गया, लैंड पर जो पानी गिरा वो कहाँ गया, पहले पानी वाटर वेपर, पहले पानी कहाँ से ऊपर गया, सारी वाटर बॉडीज में से ऊपर गया, सो धरती से ऊपर गया, ऊपर से बारिश के थ्रू नीचे आ गया, अब ये सारा लैंड पे गिरेगा और लैंड से सारा पानी वापस कहाँ जाएगा, रिवर में, सी में या ओशन में, फिर ये ऑपरेट होगा, फिर ये रेन से फटेगा, तो इसे वाटर साइकिल कहते हैं, कि पानी कभी कम नहीं होता, वो बस गोल 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 घूमता ही रहता, तो दिस प्रोसेस से बार बार होती रहती है और रिपीटेड चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर एंड देन बैक टू द वाटर, वाटर बिकम्स वाटर वेपर, वाटर बिकम्स एंड देन बैक टू द वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. Now what are hail? Very important. What are hail? Very easy. Hail क्या होते हैं? ओले सुने के? ओले 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 क्या होते हैं? कुछ नहीं होते. देखो, sometimes on the way down, जब बारिश गिर रही होती है, on the way down मतलब जब बारिश गिर रही होती है, rain drops they have to pass through very cold air. Rain drops क्या करते हैं? जो पानी होता है, वो बहुत ठंडी हवा से contact में आता है. क्या आता है? बहुत ज़्यादा ठंडी हवा से. तो वो क्या बन जाएगा? आइस की छोटी छोटी बॉल्स. और फिर जब वो आइस की छोटी छोटी बॉल्स ऐसे ही वर्थ पे गिरती हैं, तो उनसे हम हेल स्टोन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? हेल स्टोन. स्नो क्या होती है? ये छोटे छोटे छोटी छोटी आइस होती है. हेल स्टोन छोटी छोटी आइस होती है. छोटी छोटी आइस क्या होती है? छोटी छोटी. स्नो ये नहीं होती. स्नो कब बनती है? अब ये सुनो. इफ द क्लाउड्स देमसेल्व्स आर वेरी कोल्ड. अब जो क्लाउड बना है ना, वो पूरा क्लाउड पानी था, लेकिन वो पूरा क्लाउड ही बहुत ठंडा हो गया, वहीं पर पड़े पड़े ठंडा हो गया. जबकि हेलस्टोन्स में नहीं होता. हेलस्टोन्स से बारिश गिरती है, फिर वो ठंडी हवा से कांटेक्ट में आती है, वो बर्फ बन जाती है. क्या बन जाती है? छोटी छोटी. हर रेन ड्रॉप बर्फ बन जाता है. तभी तो छोटे 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 से बर्फ के टुकड़े गिरते हैं. अगर सोचो इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरता तो वहाँ तो सर ही फट जाता इतने ऊपर से. तो वहाँ पर एक एक बारिश का टुकड़ा, एक एक रेन जो गिरती है, छोटे छोटे ड्रॉप जो गिरते हैं, वो ठंडी हवा से कॉन्टैक्ट में आते हैं. ठंडी हवा से कॉन्टैक्ट आ रहा है ना मेरा फेस, कॉन्टैक्ट में आते हैं और वो हेल स्टोन्स. लेकिन स्नो के साथ ऐसा नहीं होता. स्नो के साथ क्या होता है कि क्लाउड देमसेल्व्स आर वेरी वेरी कोल्ड. क्लाउड देमसेल्व्स आर वेरी, पूरा क्लाउड ही बहुत ठंडा पड़ जाता है. क्या पड़ जाता है? क्लाउड. और वो द वाटर वेपर जो उसमें था, दैट कंडेंसेस एंड फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इंस्टेड ऑफ, तो पानी की जगह पर आइस ही बन जाता है. पूरा क्लाउड पानी नहीं बनता. क्या बन जाता है? आइस. पूरा क्लाउड आइस बन जाता है. तो द आइस सो फॉर्म्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट ब्यूटीफुल स्नोफ्लेक्स. आइस आपने देखी ना, छोटे 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 स्नोफ्लेक्स होते हैं. क्या होते हैं? जबकि हेलस्टोन्स तो बहुत जोर से लगते हैं. हेलस्टोन्स तो आइस तो इतने मजेदार सॉफ्ट इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक्स कहते हैं उसे. क्या कहते हैं? दे हैव डिफरेंट शेप्स. दे हैव डिफरेंट. समझ आ गई?
कि स्नो कैसे बनती है, हेल कैसे बनती है, ड्यू एंड फ्रॉस्ट. आपने अपनी सर्दियों में देखा होगा कि आपकी गाड़ियों पे ड्यू एंड फ्रॉस्ट है. क्या है व्हाट इज ड्यू एंड फ्रॉस्ट? गो आउट इन द गार्डन ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग. एक ठंडी, अभी तो ठंड का सीजन है, विंटर सीजन. सो गो आउट इन द गार्डन, ऑब्जर्व द लीव्स एंड द ग्रास. डू यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देम? यस. देर मे बी ऑल्सो ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द विंडो पेन्स. आपके विंडोज पे भी, कार की विंडोज देखो, वहाँ पर ड्रॉप्स ऑफ वाटर होंगे. क्यों आपने डाला था ड्रॉप ऑफ वाटर? कहाँ से आया? वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? ऑन कोल्ड नाइट्स. ध्यान से सुनो, रात ठंडी थी, रात तो एयर नियर द ग्राउंड भी क्या हो गया, जो एयर ग्राउंड के ऊपर थी वो क्या पड़ेगी, ठंडी या गर्म? ठंडी. ठंडी, मजा आ गया. क्या हो जाएगी? जब जब रात गर्म थी तो लैंड, रात ठंडी थी तो लैंड भी ठंडी हो गई. अब लैंड ठंडी हो गई तो लैंड की हवा भी ठंडी हो गई. ठंडी हो गई. द वाटर वेपर इन द एयर. अब पानी, आपको पता है हवा में कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं से तो इवेपोरेशन चल रहा था, तो अब वाटर वेपर हवा में होंगे. वाटर वेपर जब वो ठंडी चीज के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा? वाटर वेपर जब ठंडी चीज से कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा? स्टीम विल टर्न इनटू वाटर अगेन. स्टीम विल टर्न इनटू वाटर अगेन. एंड सो यू फॉल, यू सी सो द वाटर ऑन द लीव्स, ग्रासेस एंड विंडो पेन्स. दिस इज कॉल्ड ड्यू. दिस इज कॉल्ड, आपके पापा को जाके बोलना, चुप करके उनको गार्डन में ले जाना आज. कल स्कूल जाओगे ना तो मॉर्निंग, अब तो आप उठ नहीं रहे, स्कूल का टाइम चेंज हो गया, लेकिन कल आप कभी भी अर्ली मॉर्निंग उठोगे ना, पापा बोला चलो मैं आपको बताता हूँ. पापा देखो आपके विंडो पेन्स पे क्या है, ड्यू है ना. लीव्स पे क्या है? ड्यू है ना. ग्रास पे क्या है? ड्यू है ना. कैसे आई बताओ? पापा बोले मुझे तो पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ. कल कोल्ड नाइट थी, कल कोल्ड नाइट थी, बहुत ठंडी हवा थी रात को, तो लैंड हमारी ठंडी हो गई. लैंड हमारी ठंडी, तो जब पापा लैंड ठंडी हो जाती है तो लैंड के ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है. लैंड के ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है. तो हवा में कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं तो वो कोई पानी पड़ा होता है तो वो इवापोरेट होता है, तो हमेशा हवा में वाटर वेपर होता है. क्या होता है? छोटा छोटा वाटर वेपर, मतलब जो पानी गर्मी की वजह से स्टीम बना होगा. आपको वाटर वेपर नहीं पता पापा? वाटर वेपर तब होता है जब पानी गर्म होता है तो स्टीम बनती है, उसको वाटर वेपर कहते हैं. पता है ये तो? नहीं पता, मैं बताता हूँ. ठीक है, तो वो बोलेंगे अरे वाह मेरा बेटा कितना स्मार्ट हो गया. कहना वाटर वेपर होता है गर्मी की वजह से, जब पानी स्टीम बन जाता है ना तो उसे वाटर वेपर कहते हैं. अब ये वाटर वेपर वापस ठंडी हवा के या ठंडी ग्राउंड के टच में आ गया तो ये पानी बन गया. तो पानी बन गया तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना. ये तो लीव्स पर गिर गया, ग्रासेस पे दिख रहा है, लीव्स पे दिख रहा है, हमारी विंडो की पेन्स पे दिख रहा है, हमारे कार के ऊपर दिख रहा है. इसे हम ड्यू कहते हैं. अब ऑन वेरी वेरी कोल्ड नाइट्स क्या होता है, ये ड्यू पानी ना बन के आइस बन जाता है. क्या बन जाता है? आइस. जब बहुत ठंडी रात होती है तो ये पानी नहीं बनता. जैसे हमने स्नोफ्लेक्स में देखा था ना कि ठंडी हवा के वजह से सीधा पानी ड्यू ना बन के, पानी ना बनके वो सीधा बर्फ बन गया, तो वो फ्रॉस्ट कहते हैं उसे. क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट. तो फ्रॉस्ट आपको नजर आएगी, जब बर्फ आपको नजर आएगा तब सोचना कि पिछली रात बहुत ठंडी थी जिसके से हमारे जो ड्यू ड्रॉप्स थे वो पानी ना बनके बर्फ बन गए, फ्रॉस्ट बन गए. तो नॉर्थ इंडिया में आपको सुबह सुबह बर्फ दिखती है आपकी विंडो पेन्स पे, ग्रासेस पे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ड्यू ड्रॉप्स पानी की जगह पर बर्फ बन जाते हैं. फॉग क्या होता है? फॉग क्या होता है? ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स वाटर वेपर समटाइम्स कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल्स नियर द ग्राउंड एंड क्लाउड्स फॉर्म जस्ट अबाउ द ग्राउंड. हमें आपको बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. विंटर मॉर्निंग में क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है ना वो कंडेंस हो जाता है ऑन द डस्ट. मिट्टी तो होती है तो वाटर वेपर क्या होता है, ग्राउंड की मिट्टी से मिल जाता है एंड फॉर्म्स क्लाउड जस्ट अबाउ द ग्राउंड के ऊपर ही क्लाउड बन जाता है. क्या बन जाता है? ग्राउंड के ऊपर ही क्लाउड. वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और क्लाउड हवा में नहीं बनकर नीचे ग्राउंड पर ही बन जाता है. क्या बन जाता है? नीचे ग्राउंड. सो दिस इज नोन एज फॉग. कई बार फॉग इतना थिक होता है कि आपको कुछ मीटर्स के आगे तो नजर ही नहीं आता. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और आधे मीटर पे आप खड़े हो तो नजर ही नहीं आएगा, आप मुझे दिखोगे ही नहीं.
क्योंकि फॉग बहुत थिक है, फॉग बहुत थिक है, तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है ऑन द डस्ट पार्टिकल्स नियर द ग्राउंड. कंडेंस मतलब वाटर वेपर ठंडा पड़ जाता है और वो एक क्लाउड बना लेता है. क्या बना लेता है? पानी का एक क्लाउड बना लेता है. लेकिन उसमें इतनी सारी मिट्टी मिक्स हो जाती है कि नीचे तो गंदगी बहुत होती है ना, नीचे तो गंदगी बहुत होती है क्योंकि एयर में इतनी सारी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं. ऊपर जैसे हम हाइट पे जाते हैं इतनी मिट्टी नहीं होती, नीचे तो बहुत इतनी सारी मिट्टी की वजह से वो इतना क्लाउड क्या हो जाता है, थिक हो जाता है कि हमें नजर आना फ्यू मीटर्स तक हम कुछ देख ही नहीं पाते. तो व्हीकल ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है. पायलट जब ऊपर चला रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ में उनको दिक्कत आ सकती है क्योंकि उनको आगे नज़र ही नहीं आता सकता, कोई नहीं है पर कोई ना कोई तो हो सकता. समटाइम्स एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया जाता है और कहते हैं ड्यू टू हैवी फॉग वी आर सो सॉरी एंड योर फ्लाइट्स आर कैंसल्ड. क्योंकि एयर जो प्लेन चला रहा है पायलट उसको नज़र ही नहीं आ रहा, उसको नज़र ही नहीं वो चलाएगा तो नज़र ही नहीं आएगा. तो आपको भी नज़ारा नजर ये क्या है, बेवकूफ़ी है, मेरे पास तो टिकट है, मुझे तो शादी में पहुंचना था. अरे शादी में पहुंचना था कि ऊपर पहुंचना था? ऊपर पहुंचना था, पहुंचना था क्या ऊपर? जब जो एरोप्लेन चला रहा है उसको नज़र ही नहीं आएगा तो कैसे चलाएगा? तो चीख चिल्लाने की जरूरत ही नहीं, वेदर ख़राब है आपको खुद ही नहीं जाना चाहिए, आपको खुद ही अपनी टिकट करानी नहीं. क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट्स के. क्या हो जाते हैं? एक्सीडेंट्स. द अर्थ्स वाटर, अब 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, हम सबको पता है राइट. इट इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, पानी कहाँ कहाँ होता है? ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द अर्थ, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द अर्थ एज ग्राउंड वाटर. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यू ऑल नो दैट, टू लिव एंड सर्वाइव. मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ कैन नॉट बी यूज by us for drinking because it has so many salts dissolved in them. The water in seas and oceans is very very salty. It is very very salty. In most places the water in rivers and lakes is not clean. River or lake ka pani bhi acha nahi hai because humne water pollution suna hai ki hum water pollution kaise karte hain, aapko pata hoga right. So it is said to be polluted kyunki river or lake ka pani is not fit for drinking. So water becomes polluted because waste from our houses and factories is allowed to flow into the rivers and लेक्स. ये सब हम पुराने चैप्टर में कर चुके हैं कैसे हम रिवर और लेक के पानी को गंदा करते हैं. हाउ वी गेट ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कैसे मिलता है? पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है? इट हैज़ अ लॉट ऑफ डर्ट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ जर्म्स इन इट. सो व्हेन वी ड्रिंक दिस पॉल्यूटेड वाटर इट कैन कॉज अस सो मेनी डिजीजेस, सेवरल डिजीजेस. डर्ट एंड जर्म्स हैव टू बी रिमूव्ड, डर्ट एंड जर्म्स टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. सो वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ लेक इज पम्प्ड इनटू द वाटर वर्क्स इन द city. Now what are water works in the city? What are water works? Water from a river or lake is pumped into the water works in the city. मतलब जो हमारे main जहाँ पर वो collection होता है, क्या होता है? तो पहले collection एक जगह पर हो जाता है, फिर उसे filter से pass करते हैं. क्या करते हैं? जैसे हम चाय पत्ती को छानते हैं, वैसे अलग अलग छन्नियाँ होती हैं जिससे अलग अलग कचरा उसमें से निकल जाता है. क्या निकल जाता है? डर्ट. और फिर उसको क्लोरीन डाला जाता है क्योंकि कचरा तो निकल गया लेकिन उसमें अभी भी जर्म्स हैं, उसमें अभी भी पानी के अंदर क्लोरीन डाला जाता है ताकि जर्म्स को किल कर दें. और फिर क्लीन वाटर को हमारे घर पे सप्लाई किया जाता है पंप करके. सो क्लीन वाटर बहुत प्रेशियस होता है, उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज एयर वाटर एंड वेदर फ्रॉम Class 4, Semester 2. This is the book New Sangam and Gulmohar. So I hope I explained the chapter beautifully to you all. Take care. Bye-bye. Meet you tomorrow.